अब 10वीं की परीक्षाएं तो खत्म हो गई, एक चिंता खत्म तो दूसरी शुरू, आपकी भी और आपके माँ बाप की भी, कि अब पढ़ा क्या जाए। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपने 10वीं के बाद क्या पढ़ना है, इसका फैसला आपने खुद करना है, किसी और ने नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आप 10वीं के बाद क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस विषय में बहुत अच्छे हैं, उस विषय में आपकी रुचि भी होनी बहुत जरूरी है। जिस विषय में आप अच्छे हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आप पहले उस विषय को चुनिए। लेकिन अब होता क्या है कि कई बार यहीं पर बच्चे धोखा खा जाते हैं। जब हम 11वीं में दाखिला लेते हैं तो विषय जो होते हैं या सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होते हैं। हो सकता है आपका एक विषय अच्छा हो लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट या बाकी विषय जो उस कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हैं उसमें आप अच्छे ना हो। मान लीजिए आपने विज्ञान का चुनाव करना है, हो सकता है आप केमिस्ट्री में अच्छे हों पर फिजिक्स में अच्छे ना हो और ना ही मैथमेटिक्स में अच्छे हों। तो इस जगह पर मेरी ये सलाह है कि आप पहला स्टेप कि जो रुचि है उस सब्जेक्ट को भी मत चुनिए। आपको कॉम्बिनेशन वाले हर सब्जेक्ट को इस तरह से चुनना है कि आप उन सभी में अच्छा कर सकें। मात्र एक विषय में अच्छा होना ये निर्धारित नहीं करता है कि आप कॉम्बिनेशन में और कोई भी विषय चुन लें। उसके बाद एक बात और आती है जो 11वीं में दाखिला लेते वक्त बच्चों या उनके माँ बाप को या अभिभावकों को परेशान करती है। तो अब ये समझ लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट आपने चुननी है, वो इंस्टीट्यूट अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, अभिभावक क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं और रेटिंग देखते हैं और जो भी रेटिंग आती है, जो टॉप पे रेटिंग आती है उसी में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करिए कभी भी। हो सकता है एक इंस्टीट्यूट विज्ञान के विषय में टॉप रेटिंग पे हो लेकिन कॉमर्स में वो टॉप रेटिंग पे ना हो। तो आपने ये देखना है कि जो विषय आप चुन रहे हैं उसमें वो इंस्टीट्यूट कौन सी रेटिंग पर है, ना कि ओवरऑल रेटिंग को देखिए। आप कई बार बच्चों के अभिभावक या बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो ये देखते ही नहीं कि जो विषय वो चुन रहे हैं उनके लिए भविष्य में कोई नौकरी या कोई कमाई का साधन उपलब्ध भी है कि नहीं। विषय चुनती बार ये ध्यान रखिए कि जो विषय आप चुन रहे हैं वो आपका भविष्य बनाने में काम आए, ना कि ऐसा देखा देखी कि एक ने विज्ञान चुना है तो आपने भी विज्ञान चुन लिया, या आज विज्ञान की ज़्यादा जरूरत है, हो सकता है कल को उसकी जरूरत ना हो। तो आप भविष्य को भी देखकर चलिए कि भविष्य में किन विषयों की जरूरत ज़्यादा पड़ सकती है, उन्हीं का ही चुनाव आप करिए। अब अंत में एक बात आती है, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, पहले तो कोशिश करिए अपने दिमाग को इतना ज़्यादा डेवलप करें कि आप खुद चुनाव कर सकें कि कौन सा विषय चुनना है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, तो आपके साथी आपके साथ हैं उनसे सब बात करिए, आपके भाई बहन साथ में हैं उनसे बात करिए, आपके माँ बाप आपके साथ हैं उनसे बात करिए, या फिर अंत में आपके अध्यापक आपके साथ हैं, विषय के चुनाव में आप उनकी सलाह लीजिए और सही विषय चुनिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। धन्यवाद।